कोरोना काल के समय मेडिकल क्षेत्र में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को आज शुक्रवार को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल काउंसिल की ओर से कोरोना काल के समय मेडिकल क्षेत्र में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर इंडियन मेडिकल काउंसिल की ओर से रंजना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इंडियन मेडिकल काउंसिल की ओर से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी को काबू में रखा जा सके। साथ ही क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों का हौसला बढ़ाने के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल काउंसिल कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने के लिए डॉक्टरों का हौसला अफजाई कर रही है, उसी के मद्देनजर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सिविल सर्जन योगेश कुमार, डॉक्टर अश्विनी आहूजा के अलावा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 650-700 के बीच में नंबर है और हो सकता है आज तक 700 पहुंच चुका हो, तो ये और अपने घर वाले भी जो हैं वो जान लगातार चली जा रही है, लेकिन हम त्योहारों में खुश हैं, हम शादियां मना के खुश हैं, हम पार्टियों में जाके खुश हैं, तो इस तरह से तो फैलेगा ही ना जी। तो प्लीज एक हाथ जोड़ के अगर आपके दिल में जरा सी भी अपने घर वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए, चिकित्सकों के लिए कोई सम्मान है, तो इस कोरोना को बचाने में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सीएमओ साहब का साथ दें और मेहरबानी करके जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उन सबको उसी तरह से फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ बार बार धोएं और पार्टीज को एक बिग नो कह दीजिए, बड़ा सा ना, पार्टीज को मत ऑर्गेनाइज करिए, चाहे वो 200 या 100 जितने भी लोग आपको सरकार ने अनुमति दे रखी हो। एचएमसी के अलावा और जिलों में भी कार्यक्रम करने जा रही है? जी ऐसा है, एचएमसी ने एक तो वहां पे किया क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के मारे हमने कम को किया, हर जिले में, मैं अभी यहाँ की बात कैथल और कुशीनगर, मेरे हिस्से में 3 जिले हैं, मैं वहां जा रही हूँ और बाकी हमारे एचएमसी के जो मेंबर्स हैं वो जिन जिनको जो जो जिले अलॉटेड हैं 22 में से, वो अपने अपने जिलों में जाके लगातार इन प्रोग्राम को कर रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया वो गवर्नमेंट पैनल पर हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं देखिए ऐसा है, हम सबसे उच्च अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रख रहे हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे वो थोड़ी आए हमारे साथ हैं, थोड़ी बाद में आए, इसमें कोई शक नहीं है कहने में, और वो जब अपील करी गई है तो हम लोग सब, लेकिन जब आ गए तो वो सारा बिल्कुल जी जान से आए, तो इसलिए कोई गवर्नमेंट का डेफिनेटली, उनके बिना हम लोग अगर हम अकेले करने चलते तो शायद कुछ भी ना कर पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, सहारा भी दिया और साथ में ये उम्मीद भी बताई कि देखिए आप हमारे साथ रहेंगे, तो उसके बाद जब दोनों ने हाथ मिलाया तो शायद हम अपने शहर, हमारे शहर में बहुत अच्छी तरह हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, तो एज ए आई एम ए मेंबर में कह सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है अभी भी आप देखिए कि कोरोना की स्थिति यहाँ अभी भी बहुत कंट्रोल में है, आप अगल बगल के शहरों में चले जाइए वहाँ अभी भी बुरा हाल ही है। आज हरियाणा मेडिकल काउंसिल के सदस्य से डॉक्टर रंजना शर्मा जी मेंबर जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जो कि कड़ी थी, जो कि 1 नवंबर को फंक्शन हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अम्बाला में हुआ था, उसी के आगे एक कड़ी थी जो हमारे करनाल के कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इस लास्ट 6 महीने से, लगातार अंतक प्रयासों से हम करनाल में एक अच्छी स्थिति में हैं आज, ये उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए और उनको ऑनर करने के लिए आज हरियाणा मेडिकल काउंसिल की भी एक बहुत अच्छी पहल है और इससे ना केवल उनका मनोबल बढ़ेगा और आने वाले टाइम पे जब हमें ये लग रहा है कि दोबारा से वेव आने की अंदेशा है तो ये उससे ज़्यादा मेहनत से और लगन से कार्य करेंगे और सबके प्रयासों से हम जल्दी इस महामारी पे अपना काबू कर सकते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.